सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस डेटा या प्रोग्राम का एक सेट होता है जो कंप्यूटर को संचालित करने और विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। हार्डवेयर जो कंप्यूटर के भौतिक पहलुओं का वर्णन करता है। इसके उल्टा सॉफ्टवेयर एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग किसी डिवाइस पर चलने वाले एप्लीकेशन, स्क्रिप्ट और प्रोग्राम को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। सॉफ्टवेयर शब्द सुनते ही कई बार दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि सॉफ्टवेयर कैसे बनता है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रक्रिया क्या होती है। तो आज के इस वीडियो में सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं और उसे बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इन सब की बात करेंगे। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर सही तरीके से बिना किसी गलती के बनाना है तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। और वीडियो शुरू करने से पहले क्विक सपोर्ट आपका स्वागत करता है आपके अपने चैनल में। तो अब सॉफ्टवेयर के बारे में जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि कंप्यूटर क्या है, क्योंकि सभी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर चलने के लिए बनाए जाते हैं। इसीलिए चलिए एक नजर कंप्यूटर पर डाल लेते हैं। अगर बिल्कुल साधारण भाषा में बताएं तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। कंप्यूटर को अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण दे। मान लें कि आप एमएस वर्ड का उपयोग करके एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। यहाँ एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है और हम कीबोर्ड से इनपुट देते हैं। इस इनपुट को कंप्यूटर प्रोसेस करता है जिसके बाद स्क्रीन पर आउटपुट दिखाई देता है। अब आपको ये तो पता चल गया कि कंप्यूटर इनपुट कैसे लेता है, फिर इसे प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। लेकिन इस पूरे कार्य के लिए जो एक फाइल बना रहा है उसके लिए हमें एमएस वर्ड जैसे सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर एक इंस्ट्रक्टर है जो कंप्यूटर को विशिष्ट कार्यों को करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है। इंस्ट्रक्शंस के इस सेट को एक प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है। ये सॉफ्टवेयर्स जो कंप्यूटर पर चल रहे हैं बाइनरी कोड 1 to 0 के रूप में होते हैं। लेकिन बाइनरी के रूप में सॉफ्टवेयर लिखना असंभव और थकाऊ है, इसलिए इंजीनियरों ने कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C, C++, जावा, पाइथन आदि को बनाया। कभी कभी दो या दो से अधिक लैंग्वेजेस का उपयोग एक विशेष सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों चलिए आप जानते हैं कि कैसे बनता है सॉफ्टवेयर। किसी भी प्रोग्राम को किसी भी लैंग्वेज का उपयोग करते हुए लिखा जा सकता है जो किसी भी इंसान के समझ में आ जाती है जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जानकारी होती है। इसे सोर्स कोड कहा जाता है और कंपाइलिंग प्रोसेस की सहायता से इस सोर्स कोड को बनाने के बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल में बदल दिया जाता है। कोई भी सिंपल प्रोग्राम एक डेवलपर द्वारा उचित समय में लिखा जा सकता है। हालांकि पेशेवर सॉफ्टवेयर में सैकड़ों डेवलपर्स शामिल हो सकते हैं। एक बड़े सॉफ्टवेयर को सैकड़ों या हजारों फाइलों में विभाजित किया जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर अपने सॉफ्टवेयर पर कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कोड के साथ हमेशा कुछ समस्याएं होती हैं और हम इन समस्याओं को बग्स कहते हैं। सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा पब्लिक के लिए जारी किए जाने के बाद भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को बग्स को ठीक करना जारी रखना होता है और सॉफ्टवेयर को और बेहतर बनाना होता है। यही कारण है कि सॉफ्टवेयर में समय समय पर अपडेट या नए संस्करण आते रहते हैं। सॉफ्टवेयर को दो अलग अलग तरीकों से बनाया जा सकता है, प्रोप्राइटरी और ओपन सोर्स। नंबर 1, प्रोप्राइटरी। किसी इंसान या सॉफ्टवेयर कंपनी के स्वामित्व वाला सॉफ्टवेयर बेचने के लिए बनाया जाता है। इसके सोर्स कोड पब्लिक के लिए जारी नहीं किए जाते हैं, केवल सॉफ्टवेयर जारी किया जाता है। नंबर 2, ओपन सोर्स। ऐसे सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं जिसके सोर्स कोड को कोई भी एक्सेस कर सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मालिकों को डोनेशंस के माध्यम से पैसा मिलता है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में। नंबर 1, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर्स के काम आता है, उदाहरण के लिए एमएस वर्ड, फायरफॉक्स आदि। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग विशेष कार्यों को करने के लिए करता है या कंप्यूटर के मूल संचालन से परे एंटरटेनमेंट कराता है। अब क्योंकि मॉडर्न एज में कंप्यूटर से किए जाने वाले कामों में कई सारे काम और जुड़ गए हैं, तो अब कई अलग अलग तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बन रहे हैं। नंबर 2, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम या कंप्यूटर पर काम करता है, उदाहरण के लिए OS, ड्राइव्स, फर्मवेयर्स इत्यादि। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए भी डिजाइन किया जाता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटीज। तो चलिए अब जानते हैं कि आप एक सॉफ्टवेयर कैसे बना सकते हैं। नंबर 1, अपना इंटरेस्ट ढूंढें। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दो बेसिक टाइप होते हैं जो कि हमने अभी आपको बताया। एक तो होता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट और दूसरा होता है सिस्टम डेवलपमेंट।
तो आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपको कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर बनाना है या आपकी रुचि किस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है। नंबर टू, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें। कुछ नया करने के लिए कुछ नया बनाने के आइडियाज तो किसी के भी दिमाग में आ सकते हैं, लेकिन उन आइडियाज को एक डेवलपर ही मूर्त रूप दे पाता है। यहाँ तक कि अगर आप सिर्फ सॉफ्टवेयर के डिजाइन पहलुओं पर काम करना चाहते हैं तो भी आपको कोडिंग से परिचित होना पड़ेगा और बेसिक प्रोटोटाइप बनाने में सक्षम होना पड़ेगा। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मौजूद है जिनमें से आप कोई सा भी सीख सकते हैं। इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट है। नंबर वन, सीसी लैंग्वेज अभी भी उपयोग में आने वाली पुरानी भाषाओं में से एक है और ज्यादातर भाषाओं का आधार है। सी का उपयोग लो लेवल प्रोग्राम्स को करने के लिए किया जाता है। नंबर टू, C++। ये सी का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्जन है और दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्रोम, फायरफॉक्स, फोटोशॉप और कई सारे बड़े सॉफ्टवेयर C++ सीखकर बनाए गए हैं। ये वीडियो गेम बनाने के लिए भी बहुत लोकप्रिय लैंग्वेज है। C++ डेवलपर्स की आज भी हाई डिमांड रहती है। नंबर थ्री, जावा। ये C++ लैंग्वेज का विकसित रूप है और इसका इस्तेमाल पोर्टेबिलिटी की आसानी की वजह से किया जाता है। इसका इस्तेमाल वीडियो गेम और बिजनेस सॉफ्टवेयर में किया जाता है और कई लोग इसे एक जरूरी भाषा मानते हैं। नंबर फोर, C# एक विंडोज बेस्ड लैंग्वेज है जो माइक्रोसॉफ्ट से NET फ्रेमवर्क का हिस्सा है। ये जावा और C++ से जुड़ा हुआ है, तो अगर आप जावा सीखते हैं तो आप जल्दी और आसानी से C# सीख सकते हैं। नंबर फाइव, ऑब्जेक्टिव सी। ये सी भाषा का एक और चचेरा भाई है जो विशेष रूप से एप्पल सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया है। ये आईफोन और आईपैड एप्स के लिए अत्यधिक लोकप्रियता है। एक फ्रीलांसर के रूप में सीखने के लिए ये एक शानदार भाषा है। नंबर सिक्स, पाइथन। ये सीखने के लिए एक बहुत ही आसान भाषा है। पाइथन वेब डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नंबर थ्री, रिसोर्सेज ढूंढे। ज्यादातर बुक स्टोर्स में एक पूरा सेक्शन प्रोग्रामिंग की किताबों से भरी होती है। इसके अलावा Amazon जैसे ई कॉमर्स साइट्स पर भी आपको ढेरों किताबें मिल जाएंगी। आपके पास अच्छी तरह से लिखी गई प्रोग्रामिंग बुक्स होनी चाहिए ताकि आप सॉफ्टवेयर बनाते वक्त उनकी मदद ले सके और कोडिंग अच्छे से सीख सके। किताबों के अलावा इंटरनेट पर आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जहां से आप मदद ले सकते हैं। कोड एकेडमी, कोड ऑर्गेनाइजेशन, बैंटो, यूडेसिटी, यूडीमाई, खान एकेडमी, W3 Schools जैसी साइटों पर अपनी पसंद की भाषा के लिए गाइड खोजें और सीखें। नंबर फोर, पेट प्रोजेक्ट्स पर काम करें। इससे पहले कि आप अपने नए प्रोग्रामिंग स्किल्स को असली दुनिया में नौकरी पाने के लिए या सॉफ्टवेयर बनाकर लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल करें, अपने लिए कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम करें। अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करके समस्याओं को हल करने के लिए खुद को चुनौती दें। ये न केवल आपके स्किल को डेवलप करने में मदद करेगा बल्कि आपके रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करने में भी मदद करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप वीडियो गेम बनाने में इंटरेस्टेड हैं, तो इजी गेम पर काम करें जो ग्राफिक्स या कॉम्प्लेक्स मशीन्स के बिना हो जाए। इसके बजाय उन्हें मजेदार और अनोखा बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। आपके द्वारा बनाए गए छोटे खेलों का एक संग्रह आपके पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा लगेगा। नंबर फाइव, विचार करें। एक अच्छा प्रोग्रामर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएगा जो यूजर्स के लिए इस्तेमाल करना आसान और इंटरेस्टिंग होगा। उस सॉफ्टवेयर को देखें जिस पर आप काम कर रहे हैं और देखें कि क्या ऐसे तरीके हैं जो डेवलपमेंट प्रोसेस को आसान बना सकें। नंबर सिक्स, एक प्रोटोटाइप बनाएं। ये एक बेसिक प्रोग्राम है जो उन फंक्शंस को हाईलाइट करता है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं। एक प्रोटोटाइप एक क्विक प्रोग्राम होता है और जब तक आपको ऐसा डिजाइन नहीं मिल जाता जो काम करे, तब तक इसे मॉडिफाई किया जाना है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक कैलेंडर प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपका प्रोटोटाइप एक बेसिक कैलेंडर होगा जिससे आप इवेंट्स को अपने प्रोग्राम्ड कैलेंडर में जोड़ सके। इसमें दो बातों का ध्यान रखना होता है। पहला तो ये कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान आपका प्रोटोटाइप बार बार बदलना चाहिए, क्योंकि आप जैसे जैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के नए तरीके ढूंढते हैं, वैसे वैसे आपको अपने प्रोटोटाइप में भी बदलाव करने होंगे। और दूसरा ये कि प्रोटोटाइप सुंदर होना चाहिए जरूरी नहीं है। असल में आर्ट और डिजाइन उन अंतिम चीजों में से एक होनी चाहिए जिन पर आप काम कर रहे हैं, क्योंकि यूजर प्रोटोटाइप के डिजाइन को नहीं देखता, उसके सामने तो फाइनल सॉफ्टवेयर पहुंचता है। नंबर सेवन, बार बार टेस्ट करें। कोड में एरर्स और ज्यादा इस्तेमाल से कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन एरर्स को टेस्ट करके ही पहचाना जा सकता है और ठीक किया जा सकता है। अपने दोस्तों और परिवारों को अपना सॉफ्टवेयर दें और टेस्ट करने को कहें। फिर वो एक यूजर की तरह उसकी कमियों को बताएंगे जिन्हें आप ठीक कर सकते हैं। अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए गलत वेरिएबल्स का इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास कोई ऐसा फॉर्म है जो यूजर की एज पूछता हो, तो इससे नंबर्स की जगह वर्ड्स डालें और देखें कि क्या होता है।
या फिर अगर आपके प्रोग्राम में ग्राफिकल इंटरफेस है तो सब कुछ पर क्लिक करें। जब आप पिछली स्क्रीन पर वापस जाते हैं या गलत क्रम में बटन क्लिक करते हैं तो क्या होता है, देखें और गलती मिलने पर सुधार करें। तो चलिए अब जानते हैं कि एक सॉफ्टवेयर बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर वन, क्वालिटी और रिलायबिलिटी। जब भी आप नया सॉफ्टवेयर बनाएं तो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी पर विशेष ध्यान दें, खासतौर से कमर्शियल और सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए। यदि सॉफ्टवेयर दोषपूर्ण है तो ये किसी व्यक्ति के काम को डिलीट कर सकता है, कंप्यूटर को क्रैश कर सकता है और भी कई सारी छेड़छाड़ कर सकता है। फॉल्ट्स और एरर्स को बग्स कहा जाता है, जो अक्सर अल्फा और बीटा टेस्टिंग के दौरान खोजे जाते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के जरिए कई बग्स खोजे और मिटाए जाते हैं। हालांकि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग शायद ही कभी सारे बग्स को खत्म करता है। कुछ प्रोग्रामर कहते हैं कि हर प्रोग्राम में कम से कम एक बग होता है। सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग यूनिट टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग और कई दूसरे सारे मेथड से की जा सकती है, जिसे मैनुअली किया जाता है, क्योंकि टेस्टिंग किए जाने वाले कोड की संख्या काफी बड़ी हो सकती है। उदाहरण के लिए नासा के पास कई ऑपरेटिंग सिस्टम और कम्युनिकेशन फंक्शंस के लिए बड़े मजबूत सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मशीन्स हैं। नंबर टू, लाइसेंस। सॉफ्टवेयर का लाइसेंस यूजर को सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का अधिकार देता है, और मुफ्त सॉफ्टवेयर लाइसेंस के मामले में दूसरे अधिकारों जैसे कि कॉपीज बनाने का अधिकार भी देता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा जा सकता है, फ्रीवेयर जिसमें फ्री ट्रायल सॉफ्टवेयर या फ्रीमियम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी को शामिल किया जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि फ्रीवेयर का उपयोग मुफ्त में किया जा सकता है, हालांकि फ्री ट्रायल या फ्रीमियम सॉफ्टवेयर के मामले में ये कभी कभी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए या लिमिटेड फंक्शंस के साथ इस्तेमाल करने के लिए मिल पाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर्स में एडोब के सॉफ्टवेयर को गिना जा सकता है। दूसरे तरह के वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कुछ फीस पे करने पर इस्तेमाल करने के लिए मिल जाते हैं। आप प्ले स्टोर पर भी देखते होंगे कि कुछ एप्लीकेशंस फ्री होती हैं और कुछ रुपयों में मिलती हैं। ऐसे ही सॉफ्टवेयर के साथ भी होता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को अक्सर कमर्शियल सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जिसे केवल लाइसेंस की खरीद पर कानूनी रूप से उपयोग किया जा सकता है। दूसरी ओर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मुफ्त सॉफ्टवेयर लाइसेंस के साथ आता है। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको एक ही वीडियो में पूरी जानकारी दे सके। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। और आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।